चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाल फोन से गलबात की। इस दौरान उन्होंने इस गल ते जोर दिता कि दोहां पक्षां नूं सरहदी खेत्र विच शांति बनाए रखने के लिए मतभेद नूं हल करने लई संचार ते तालमेल मजबूत करना चाहिए। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात को चीनी फौजियों के नाल हिंसक झड़पां विच 20 भारतीय जवानों के मारे जाने के बाद दोहां मंत्रियों की फोन से गलबात हुई है। इस नूं पिछले 5 दहाके विच दोहां देशां विच सब तो वड्डी मिलटरी झड़प दस्सिया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक वांग ने कहा है कि दोहां पक्षां नूं दोहां देशां दे नेतावां दे विच बणियां महत्वपूर्ण सहमतियां दा पालना करना चाहिए अते मौजूदा माध्यमां नाल सीमा के हालात नूं सही तरीके नाल संभालण दे लई संचार अते तालमेल नूं मजबूत करना चाहिए। बयान विच कहा गया है कि दोहां पक्षां ने गलवान घाटी विच झड़प कारण बनी गंभीर स्थिति नूं सही तरीके नाल नजिठण ते दोहां पक्षां दे विच मिलटरी पद्धर दीआं बैठकां विच आम सहमति दे सांझे पालण ते जिन्नी जल्दी हो सके जमीनी हालात शांत करन ते दोहां देशां दे विच हुण तक होए समझौते दे मुताबिक सरहदी खेत्र विच शांति बनाए रखण ते सहमति जाहर कीती। भारत ने मंगलवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के हिंसक झड़प खेत्र में स्थिति के मुताबिक एक पासल तरीके बदलने की चीनी पक्ष की कोशिशों का नतीजा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोहां पक्षों के जवान जख्मी हुए हैं और जेकर उच्च पद्धर से पहला हो चुके समझौते का चीनी पक्ष ईमानदारी पालना करता तो इस स्थिति तो बचा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट आवाजकम टीवी।